छात्र संगठन एसएफआई के द्वारा जो छात्र संगठन एसएफआई पिछले 4 साल से जब जो गवर्नमेंट महाविद्यालय जो मुरारका महाविद्यालय था वो रामदेवरा से जो डिप्टी के पास जो कॉलेज बनी थी उस कॉलेज में शिफ्ट हुआ है, तब से लेकर आज तक उस महाविद्यालय के द्वार पर मुख्य द्वार के ऊपर गंदे पानी की समस्या को लेकर और पीछे जो कचरा पड़ा है उस कचरे की समस्या को लेकर पिछले 4 साल से छात्र संगठन एसएफआई लगातार आंदोलन। आप मीडिया के बंधु इस बात के गुआ हो, छात्र संगठन एसएफआई बार बार साल में 2 बार इस नगर पालिका को और बार बार ऐसा कोई नवलगढ़ का अधिकारी नहीं बचा, ऐसा कोई प्रशासनिक ऐसा कोई नेता नहीं बचा, ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं बचा जिसको उस समस्या के लिए अवगत नहीं कराया। लेकिन नवलगढ़ नगर पालिका ऐसी नगर पालिका बनी है राजस्थान की, मैं कहूंगा कि ऐसी नगर पालिका है जो 4 बार अपनी लेटर पेड पर लिख कर देने के बावजूद यहाँ जब विद्यार्थी आता है तो उस विद्यार्थी को यह बोलती है कि हम लोगों ने कल से वहाँ पे पानी नहीं डालेंगे, कल से वहाँ पे पानी का वो पार्क निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन आप क्या देखते हो, जब विद्यार्थी वापस कॉलेज में चला जाता है तब वहाँ पर यही लोग वापस पानी को खोलने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो वो तालाब बना पड़ा है इस डेंगू जैसी महामारी के अंतर्गत। पीछे कोरोना गया है, उससे पिछले साल आप लोगों ने देखा कैसे डेंगू के पेशेंट बढ़े। महाविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी वहां से पीड़ित होके गया है, पढ़ने के लिए आता है लेकिन वहां से नए नए रोग लेकर घर जाने का काम विद्यार्थी कर रहा है। जो लेक्चरार है, जो व्याख्याता महाविद्यालय में है, वो व्याख्याता पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऑफिसों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ऑफिसों से बाहर निकलते ही पीछे जो कचरा पड़ा है, 7 कमरे जो नई बिल्डिंग के बने हैं उन कमरों के अंतर्गत विद्यार्थी भी नहीं घुस पाता है, व्याख्याता घुसने की तो बात अलग है। उन कमरों के लोग लगा हुआ है, पीछे से कचरा उस बिल्डिंग से अंदर आने को हो गया लेकिन इनकी आंख तक नहीं खुली। ये जो मशीन कचरे की इन लोगों ने लगाई नगर पालिका की, मैं नगर पालिका प्रशासन को कहना चाहता हूँ वो मशीन 2 महीने तक चली है, उसके बाद पिछले 12 महीने से वो मशीन बंद पड़ी है और इस नगर पालिका के द्वारा उसका पेमेंट किया गया है। ये सबसे बड़ी बात इस नगर पालिका की है, वो मशीन बंद पड़ी है, न तो वो मशीन चल रही है और वो पाइपलाइन जो बार बार सीवरेज का ढांचा ये लोग दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सीवरेज का पानी है सीवरेज को दे दिया जाएगा, सीमेंट फैक्ट्री को दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई सुचारू रूप से काम नहीं चालू किया गया है। हम आज इस नगर पालिका के द्वारा आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, नहीं तो कोई समझौते के लिए आए हैं, नहीं ये सुनने के लिए आए हैं, नहीं कोई आश्वासन के लिए आए हैं। अगर ये नगर पालिका प्रशासन, और सबसे बड़ी खुशी की बात, जब भी एसएफआई का विद्यार्थी पिछले 4 साल से लगातार आ रहा है और 5 साल हो गए चेयरमैन बने हो गई, लेकिन चेयरमैन महोदय ने आज तक आकर विद्यार्थियों की बात नहीं सुनी इस नगर पालिका में, ये सबसे बड़ी बात है। हम इस चेयरमैन महोदय को कह देना चाहते हैं, चेयरमैन महोदय ये विद्यार्थी है और आप भी विद्यार्थियों से निकले हुए हो, आप भी उस छात्र संगठनों से निकले हुए लोग हो, आपको सुननी पड़ेगी। ये विद्यार्थी अनपढ़ विद्यार्थी नहीं है, ये वो विद्यार्थी है जिनकी मैथ की जो कट ऑफ है वो मुरारका महाविद्यालय की 96% गई है, मतलब जिनके 95% से अबव जिनके नंबर थे उन विद्यार्थियों के वहां पे एडमिशन हुए हैं। तो मैं चेयरमैन महोदय से कहना चाहता हूँ, आप सामने आ जाओ, घर बैठने से बाहर घूमने से पार्ट्स पढ़ने वाले नहीं है, आश्वासन लेने वाले विद्यार्थी नहीं है, आज आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए विद्यार्थी आया है और अंत तक इसका समाधान लेके विद्यार्थी वापस लौटेगा, वरना नहीं तो नगर पालिका चलने देंगे, आने वाले समय के अंदर इस नगर पालिका को बंद करने का काम भी समय का विद्यार्थी करेगा। ये बात है आप कभी नगर पालिका के द्वारा एक तो टैंकर वहां पानी के लिए निकाल लिए जाते हैं, कभी एक तो मिट्टी के भराव के लिए ट्रोलियां भेज दी जाती है, कुछ स्टूडेंटों को शायद गुमराह किया जा रहा है उस विषय में। मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से हम पिछली बार आए थे, आप लोग भी इस बात के साक्षी हो, आप लोगों के सामने मीडिया के सामने और जो यहाँ के जो उपाध्यक्ष है कैलाजी चोटिया उनके सामने पुलिसकर्मी यहाँ पर थे, उन तमाम लोगों के सामने 18,60,000 रुपए का जो टेंडर इन लोगों ने बना के दिया था कि ये इतने रुपए का लागत से ये पार्क निर्माण होगा, यहाँ मिट्टी का भराव होगा, आप लोगों के सामने दिया था, आप लोग इस बात के साक्षी हो तमाम लोग। लेकिन क्या देखा, पूरे 12 महीने हो गए, 5 अगस्त का नाम था लेकिन 5 अगस्त वापिस आके चला गया, कल 5 अगस्त वापिस चला गया, पूरा 12 महीने हो गए, 18 तारीख का नाम लिया था इन लोगों ने देखा 5 अगस्त टाइम दे रहे हैं, 18 अगस्त से पहले काम हो गया पूरा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। विद्यार्थियों सिर्फ गोली देने का काम इन लोगों ने किया है, गुमराह करने का काम विद्यार्थी को इन लोगों ने किया है, लेकिन आज एसएफआई का विद्यार्थी गुमराह होने के लिए नहीं आया, एसएफआई का विद्यार्थी आज आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। उसके आगे और पीछे शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ी परेशानी है, छात्राओं की संख्या आपके साथ वहाँ ज्यादा है, किस प्रकार की समस्याएं आ रही है वहाँ?
मैं जब से यहाँ से लिया तब से देख रही हूँ कि कॉलेज की सबसे बड़ी समस्या कॉलेज के आगे बढ़ रहा गंदा पानी और कॉलेज के पीछे की साइड में जो कचरा इकट्ठा किया जा रहा है उसकी समस्या कॉलेज में सबसे बड़ी है। कॉलेज में छात्रों द्वारा ज्ञापन दिया जाता है, मेरी ये चुनौती दी जाती है कि कॉलेज में क्लासे लगाओ, क्लासे लगवाए हमें वो चुनौती देगी, क्लासे लगाओगे हम आपका ज्ञापन लेंगे। हमने बोला कि कॉलेज में सबसे बड़ी समस्या है ये आगे बढ़ा गंदा पानी और पीछे जो कचरा इकट्ठा हो रहा है जिसकी वजह से स्टूडेंट नहीं आ रहे, उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर कॉलेज में वक्त होती है, डेंगू जैसी बीमारियां होती है, बहुत सी स्टूडेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम, मतलब टीचर्स को प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट को तो होनी थी। इस समस्या को लेकर आज हम नगर पालिका में यहाँ पहुंचे हैं, हमारी समस्या का समाधान आज फाइनल होना चाहिए। क्या ऐसी स्थिति में वहाँ क्लास लेना संभव है? नहीं, वहाँ क्लास लेना संभव नहीं, टीचर्स की बात नहीं, आगे क्लास लगेगी कहाँ से, स्टूडेंट तो आने ही थे, वो आती नहीं, उन्हें सामना करना पड़ा, बीमारियां फैल रही है वहाँ पे, तो क्यों आएंगे स्टूडेंट क्लास लेने? आए थे आपके साथ जो भी कटेबाजी थे जो भी थे, बात हो गई बता दी सर? क्या बात हो गई सर, 4 साल हो गए सर बात करते करते। चलो आप यही क्यों, आप नवलगढ़ के? मेरी बात सुनो, नवलगढ़ मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे लिख के दिया सारे काम हो गए, 4 साल हो गए। हाँ ठीक है, एसडीएम से बात अलग रह गई क्या? अब मेरे को ये बताओ ना भाई, मूल मुद्दा क्या, आप कह रहे हो कचरा हटाना? पहले तो आप ये कहाँ के हैं, कहेंगे नहीं है ये सर, विद्यार्थी आईडेंटी चेक कर सकता हूँ मैं, बता दूँ। हाँ ये कोई राजनीति का फंडा नहीं है, मेरी बात आप ये कह रहे हैं सर, आप क्या कह रहे हो? मेरी बात कह रहे हो उबाल उतना ही है। अरे सर आप मेरी बात, आप अपना उपयोग रखो ना, आपको आराम से बात करनी है तो बात करोगे ना, हमारी जरूरी नहीं है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, हमें जरूरत भी नहीं है। मैं नहीं, मैं बात करना, मैं तो यही कह रहा हूँ, हम तो यहाँ रहेंगे, आप पीछे रहोगे, आपको सरकार ने नौकर बना के भेजा है आपको जनता की सेवा करने के लिए, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? पिछले 4 साल से पहले दिन से 4 साल में बता देता हूँ, आपको नहीं बता रहा, 4 साल से प्रॉब्लम है वहाँ, कचरा पड़ा रहता है 4 साल, स्कूल बने हुए हों 4 साल से कचरा नहीं सकता, वहाँ की प्रॉब्लम मुझे पता है, पता है इस पूरे शहर को, पता है इस चेयरमैन को, पता है यहाँ के सब नेताओं को, पता है। अब आप समाधान बता दो, ये समाधान मैं कल ही कर दूंगा, बताओ। मेरी बात सुनो, 4 साल से ये हम नहीं बैठे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, बस तुम ये पोस्ट पर आपको लगे हैं, हमें लगे हैं, ठीक है, जिम्मेदारी मेरी है, मतलब मुझे बचनी चाहिए आपको, ये कोई बात नहीं। अरे तो सर मेरे को एक बात तो आप मुझे जिम्मेदारी बताओ, नगर पालिका जो लिखी थी उसका को कागज का दिया, दिया कभी दिया? हाँ लो दिया, लिखो सर, ये पत्रकारी है, क्या दिया कोई पत्रकार को बता, बता दो लिख ले, एंटर की एक बार हमसे 3 महीने का टाइम, एक बार हमसे 3 महीने का टाइम, एक बार 15 दिन का लिया, हम यहाँ से जाते हैं टैंकर ले जाते हैं, साथ में टैंकर भेजते हैं, एक दिन खाली होता है पानी, आगे वाला आगे तो बने पानी वाले, एक दिन तो खाली होता है, उसके बाद मिट्टी करते हैं वहाँ पे, वापस पानी छोड़ कर शांति से पानी वाले आराम से बात कर, आराम से बात करो ना, सर ये आउटने वाला काम करो, पहले बोलो सा सर, ये चीज पहले बोल रहे हैं, ये पढ़ो आप, एक बार सर मेरे पास पानी दे रहे हैं, हर बार अरे सर आप, मैं नेताजी नहीं हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ नेताजी नहीं, इनका भाई हूँ विद्यार्थी हुआ, नेताजी नहीं, नेताजी बट मत लो आप, नेताजी की नेतागिरी करने के लिए, तो सर आप मेरी बात सुनो, आप मुझे पागल बना रहे हो, ये पढ़ लो एक बार आप, तुम्हें आप तीसरे ही हो यहाँ पे, आपसे पहले 3 मतलब के तीनों ने लिखित में दे दिया हमको, चेयरमैन मतलब पहले सुरेंद्र जी थे, अब शोएब जी आ रहे हैं, जाने की तैयारी में है, काम नहीं हो रहा सर, कोई नहीं रुकते ना, ये रुकेगा ना चेयरमैन रुकेगा, वो निरंतर प्रोसेस है, वो आते जाते रहे, नहीं काम नहीं रुकेगा, आप लोग कहने का मतलब ये लो बैठ लो, अरे रुक जा यार, सर आप काम नहीं कर पाएंगे वो खाली का, अरे भाई जिस दिन आए उस दिन से यही देख रहे हैं, आपसे ज्यादा हमें चिंता है, हमें भी पता है, भाई अल्टरनेट आप लोगों को पास, वो आप जानते हो ये अल्टरनेट, वही है तो मेरे को बता दो, कल कर सर आपकी बात, दिल्ली 20,000 आगे बैठे हो किसी को पता हो कि यहाँ कोई गड्ढा है, यहाँ समस्या नहीं होगी, वहाँ ले जाके मैं कचरा डाला दूं, कोई वार्ड नहीं लगता है, सब है,
भाई आप तो दिन में आते हो चले जाते हो, आपसे ज्यादा परेशान पीछे कोने वाले हैं। सबकी है, मैं भी मानता हूँ समस्या है। फिर ये हमें पिछली बार लिख के क्यों दिया गया, जगह नहीं थी तो हमें लिख के क्यों दिया गया? ये फिर तो गुमराह करने की बात। पानी तो पूरा चलो पीछे कचरा मान लिया आपके पास, पानी की लिख के दे दिया, उसके बाद काम नहीं होगा। ये वीडियो बना के लिए बिना बारिश के वहाँ पे पानी चलता है, बात कर रहे हैं फालतू झूठ और बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। साफ बताओ, ये बताओ कि हमसे नहीं होगा, हाथ खड़े कर दो, बाहर खड़े होंगे नहीं होगा हमसे काम। चार साल पहले हुआ समाधान, अरे यार जो चार साल में नहीं निकला वो चार मिनट में थोड़ा ही निकल जाएगा। बड़े बाद में कह रहा था तो मैं वो आदमी हूँ जो सीधा जाऊंगा कि नहीं होगा। अल्टरनेट नहीं होगा तो मुंह पर कहेंगे नहीं। अरे सर कह दो, मैं कह रहा हूँ आप कह दो। अगर नहीं है तो मैं कहाँ पे झूठ? अरे बात बताओ, एक बात बताओ, आप अभी यहाँ से किसी गांव के हो, वहाँ कचरा डलवा लोगे ले जाके? सर कचरा वो आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ से कचरा डाल देगा ये बात मीडिया पर हमारी बातचीत बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत रो रहे हैं। पिछले 4 साल से सबसे बात कॉलेज शिक्षक हुई है, कॉलेज को शिक्षक को लेकर उसके बाद तमाम विद्यार्थियों को बार बार आप तमाम लोग इस बात के साथ से हो कि नवलगढ़ ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा होगा जिसको इस बात की हम लोगों ने नहीं बताया था। लेकिन आज यहाँ पर जब नगर पालिका है और हम पहले कह के हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए विद्यार्थी आया, इस बार कोई आश्वासन नहीं आया। और जो आज के नगर पालिका के ईओ साहब है, ईओ साहब कह रहे हैं कि आप नेतागिरी कर रहे हो, आप इस नेतागिरी को बाहर करो। मैं इस ईओ साहब को बता देना चाहता हूँ, ये हम नेतागिरी करने के लिए नहीं है, ये विद्यार्थी हम कॉलेज के अंदर खुद बैठे हैं, हमें पता है कैसे रहा जाता है। 95% वाला विद्यार्थी महाविद्यालय के पढ़ने के लिए आता है, लेकिन वो उस महाविद्यालय से रोग लेकर घर पे जाने का काम कर रहा है। लगातार हमारी वार्ता ईओ साहब से हुई, लेकिन ईओ साहब का जो बटा हुआ है वो बिल्कुल बटा हुई है समाज के विद्यार्थी को। और हम लोगों ने कहा है शहर मैन मैनेजर को बुला लो, उनके पास जगह हो और वो वार्ता करने के समर्थन में है तो हम वार्ता करेंगे। और समाधान अभी देते हैं तो समाधान हम ले लेंगे, वरना आज बार की लड़ाई इसी नगर पालिका में बैठ के किया जाएगा। इसका जो जिम्मेदार होगा वो इस नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन होगा। ये हिसाब से भी जान लेंगे। ये कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी जो राजकीय महाविद्यालय है नवलगढ़ वहाँ के विद्यार्थी आए हैं, इनकी समस्या है कि कॉलेज के पीछे कचरा रहता है। उस समस्या से हम भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो ये बात जरूर है कि वहाँ एक बड़ी समस्या है, पर उसका अल्टरनेट अभी किसी के पास नहीं है, ना नगर पालिका के पास है, ना कोई उपखंड स्तरीय अधिकारियों के पास है, ना हमारे पास है, क्योंकि इसकी अल्टरनेट कोई भी जगह नगर पालिका के पास है नहीं। अगर अल्टरनेट जगह हो, हमें कोई आवंटित हो, जहाँ पब्लिक विरोध नहीं हो, तो हम कचरा शिफ्ट करने को तैयार हैं। तो सर बारिश का मौसम है, बदबू ज्यादा आने लग जाती है, तो किसी भी प्रकार की दवाई वगैरह? कल एसडीएम साहब के पास आए थे इन छात्रों का प्रतिमंडल, तब मैंने खुद नहीं कहा था कि वो ऐसी जगह है जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता, तो ये निश्चित तौर पर समस्या है। पर ये समस्या जो जिस समय ये कॉलेज की जगह आवंटन की गई या ये कचरे की जगह आवंटन की गई उस समय ये समस्या का ध्यान रखा जाता, तो ये इतनी बड़ी समस्या खड़ी नहीं होती। सर कचरे को फिल्टर के लिए मशीन लगाई गई, लेकिन काफी लंबे समय से बंद पड़ी है। एक मिनट, आज से ये समस्या शुरू हुई 4 साल पहले, अब इसका समाधान कोई भी चाहे कि भाई अभी छात्रों के चुनाव आए उससे पहले निकल जाए तो संभव नहीं है। जो लोग किए इनमें से जो 2-4 लोग उनको बधाई हो मेरी ओर से, पर अच्छा तरीका नहीं है कि आप उनको
राजनीतिक यूज करते हुए लोगों को ऐसे किया जाए, समस्या है ये। इससे मैं भी वाकिफ हूँ और मैं मानता हूँ इस समस्या का जो समाधान है अगर रियली में, तो वो समाधान होगा जब ये कचरा एक साल के अंदर प्रोसेस हो जाएगा। सर मशीन बंद पड़ी है तो कैसे प्रोसेस होगा? पहले एक पूर्व में नगर पालिका द्वारा टेंडर करके प्रोसेसिंग की मशीन लगाई गई थी, जो कार्य बंद हो गया। अब इसका टेंडर डीएलबी लेवल से हुआ है, जो पूरा प्रोसेसिंग प्लांट नगर पालिका का खुद का लगेगा वहाँ, उसके लिए बाउंड्री का कार्य भी शीघ्र शुरू होने वाला है। वहाँ 70x70 में एक नगर पालिका का प्लांट लगेगा, फिर जो भी कचरा आएगा प्रोसेस होगा। तो अगर मोटा मोटी कहा जाए तो इस समस्या का समाधान अगले साल या डेढ़ साल लगेंगे, तब वहाँ ना कोई कचरा रहेगा ना रोज आने वाला कचरा रहेगा। तो समस्या का समाधान वही है, क्योंकि वहाँ अभी कचरे का पहाड़ पड़ा है, तो उसको कोई उठा के ले जा नहीं सकता, कहीं शिफ्ट कर नहीं सकते, ना ही कॉलेज को शिफ्ट किया जा सकता। दोनों चीज़ों की वहाँ समस्या है। इसका समाधान वही होगा जब प्लांट लग के कचरा प्रोसेस हो जाए, कचरा हट जाए और हमेशा आने वाला कचरा वो भी प्रोसेस होता रहे। सर किसी भी प्रकार की मेडिसिन वगैरह छिड़काव करके दवाइयों का इस करते हैं समय समय पर हम पाउडर और जो भी छिड़काव करते हैं, पर ये जो बारिश सीजन होता है इसके अंदर जो भी इनका जो कचरे का जो बैक्टीरिया होता है उनके जो रिएक्शन से जो बदबू आती है बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ से हमें भी बड़ी चिंता इस चीज़ की, भाई विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, वो चीज़ है। रात्रि को वहाँ पानी डाला जाता है, सीवरेज का पानी बाहर निकाला जाता है, सीवरेज के पानी की समस्या मिटा दी है। अगर उसमें आया तो हम निश्चित तौर पर चाहे हमें वो बदलना पड़े सीवरेज का ठेकेदार तो भी बदल देंगे, सीवरेज का पानी वहाँ नहीं जाएगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। रात्रि के अंधेरे में देखा गया कि सीवरेज का पानी लगातार निकाला। अभी बारिश हो रही है, बारिश में जैसे क्या बारिश का पानी सीवरेज में डाला जाता है तो ओवर फ्लो से कई बार बारिश का पानी जरूर जाएगा, उस समय हो सकता है उसमें मिक्स पानी भी हो। पर बारिश के अलावा पिछले 6 महीने से मैं खुद देख रहा हूँ इस चीज़ को कि बारिश के अलावा ना जाए, और अगली बारिश से पहले उसके सामने जो जगह पड़ी है उसको भी फिल करा के लेवल करा देंगे, तो पानी जाने की जगह भी नहीं रहेगी, तो पानी वाली समस्या तो मिटा दी जाएगी, लेकिन जो कचरे वाली है उसकी मैं अगर हाँ भर लूँ कह दूँ मैं कल ही कर दूँगा तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी होगा जब या तो कोई अल्टरनेट जगह मिले या कचरा प्रोसेस हो जाए, जिसमें साल से डेढ़ साल का समय लगेगा। सर तो क्या छात्रों को सजेशन देना चाहूँ? छात्रों का जो विरोध करते हैं वो वाजिब है, पर ये काम जो आज कर रहे हैं ये इनसे इनके सीनियर होंगे, आज से 4 साल पहले भी हुआ, चारों ओर शहर के चारों ओर अल्टरनेट ढूंढा गया, दूसरी जगह ढूंढी गई, माननीय कलेक्टर साहब के उस समय तत्कालीन उनके आदेश से जगह ढूंढी गई, पर किसी को भी ऐसा अल्टरनेट यहाँ मिला नहीं, ना आसपास कहीं जगह है जहाँ कचरा डाला जाए, ना फिर ये जो जगह है वो नगरपालिका के नाम कचरे के नाम से आवंटन है, तो दोषी नगरपालिका भी नहीं है कि आवंटन जगह पर नहीं डाले तो हम कहाँ डालें। बिल्कुल किसी भी कॉलोनी में कचरा डाल नहीं सकते, तो जो नगरपालिका कचरे की आवंटन अब जो गलती हुई है उसी के पास कॉलेज का आवंटन हो गया, तो वो उसका समाधान टेक्निकली निकालना कि जगह अल्टरनेट रूप ले वो संभव नहीं है। ये संभव यही हो सकता है कचरा प्रोसेस हो और प्रोसेस होके कचरा हट जाए तो बदबू नहीं आएगी। तो छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? छात्रों को यही है कि आप देखो निश्चित तौर पर आपकी ये समस्या है, इसके समाधान के लिए जितना आप चिंतित थे उससे ज़्यादा शहर के प्रतिनिधि भी चिंतित थे और हम भी हैं कि ये कचरा वहाँ नहीं रहे, पर एकदम जो भी है कि किया जाना, किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है, जिसका समाधान समय से जो कचरा प्रोसेस होके वो हो जाएगा।